तो मैं तो रेगुलर क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 कैसा है, ठीक है, इसमें बोला अब 4 ओम रेजिस्टर रेजिस्टेंस वायर है डबल कर दिया इटसेल्फ। इस वर्ड को नोट करना, डबल ऑन इटसेल्फ, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही है पूरे क्वेश्चन, डबल ऑन इटसेल्फ। अब इसको मतलब समझना, डबल ऑन इटसेल्फ का मान लो एक रस्सी है तुम्हारे पास, ठीक है, उसकी लेंथ 10 मीटर है, उसको उसी में डबल कर दोगे 5 मीटर, कितनी हो जाएगी लेंथ 5 मीटर, और एरिया वायर चौड़ी हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी तो क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो जाएगा। ये कह रहा चाहे जहां सुनना, ऐसा बोला जब ओरिजिनल वायर, मान लो केस 1, जब ओरिजिनल वायर है तब हमारे पास रेजिस्टेंस है 4 ओम, खुद बोला उसने, तो आर1 मान लिया 4 ओम, कोई दिक्कत नहीं है। और आर1 अगर 4 ओम है तो मेरे को बताओ लेंथ अभी एल मान ली, एरिया A1 A के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया। अच्छा रो 1 रो के बराबर ही होगा क्योंकि जो रेजिस्टिविटी वो तो चेंज होने वाली है नहीं, क्योंकि मैंने मैटर जो कंडक्टर है इसका मटेरियल तो चेंज करा नहीं, वो तब चेंज होता जब मैं मटेरियल चेंज करता। अगला केस 2, केस 2 मतलब R2 निकालना है, R2 को R मान लिया, क्या मान लिया R2 को R निकालना है। अब लेंथ को क्या हो गया, खुद ही सोचो लेंथ क्या हो गई, आधी होगी कि डबल होगी लेंथ, इसी में जैसे कितना है चौड़ा देख, अभी ये लंबा देख रहा पूरा का पूरा, इसको मैं डबल करूं इसी में तो डबल मतलब ऐसे घुमाना पड़ेगा पूरा, क्या हो जाएगी लेंथ आधी हो जाएगी, यानी लेंथ अगर L थी तो अब कितनी जाएगी L/2, एरिया चौड़ा हो जाएगा वायर, एरिया पहले कितना था A तो हो जाएगा 2A, और मैटर तो मटेरियल तो सेम है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब मैं निकालूंगा रेशियो, रेशियो कैसे फॉर्मूला आता है R=ρL/A होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब मैं R1 रखूंगा तो R1=, क्या बनेगा, ρ1 L1/A A1 है ना, ऐसे R2 बनेगा ρ2 L2/A2, कोई दिक्कत तो नहीं है। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड मतलब R1 के नीचे R2 लिख देता हूं, तो ऊपर क्या आएगा ρ1 L1/A1 और डिवाइड बाय ρ2 L2/A2, सही है ना। इसका सॉल्व करने वाली बात आ रही है, R1 R2 ऐसे रख दिया मैंने, कोई चेंज नहीं करा इनमें। अच्छा इस A2 को ऊपर भेज देता हूं, सबसे ऊपर ρ1 L1, उसके ऊपर साथ A2 आ जाएगा और बीच में ρ2 L2 और A1, समझ में आ गया इतना। अच्छा ρ1 और ρ2 दोनों रो है, दोनों क्या है रो, कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, ρ1 और ρ2 को क्या कर दिया जाए कैंसिल, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल। अब बात करते हैं R1 R2 में से किसी की वैल्यू गिवन है, R1 कितना है 4 अपॉन R2 निकालना है R। अच्छा L1 की वैल्यू गिवन है, L1 कितना है L/2, L1 L है, A2 कितना है A2 है, ठीक है सॉरी, और यहां पे कितना आएगा L2 कितना है L2 L/2 लिख दूंगा इसके नीचे, और A1 कितना है A, समझ में आ गया इतना। ये तो फिर से नीचे बना ऊपर चला जाएगा, 2 से क्या बन जाएगा ऊपर, तो 4/R बराबर 4L/4LA, अब 2 4 हो गया ना ऊपर, और नीचे LA पहले से LA से LA कैंसिल, तो इससे प्रूव हो गया 4/R किसके बराबर आ गया, R के बराबर, सॉरी 4/R बराबर 4A है, R निकालना है तो 4 के बजाय 4 आ जाएगा, R कितना आ जाएगा 1 हो, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन था, ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, ठीक है प्रॉपर समझा दिया। पहले हमने केस 1 केस 2 दो केसेस बनाए, एक में R1 के लिए काम करा, एक में R2 के लिए काम करा, R2 को कैलकुलेट करा, R1 क्योंकि ये वन था, ठीक है नोट करो जल्दी से बिना लेट करे। क्वेश्चन है इसी का सेकंड पार्ट है, बी पार्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, क्या होता है रेजिस्टेंस का मतलब, तो रेजिस्टेंस एक तरीके से होता है ऑब्स्ट्रक्शन बोल लो या स्टॉपेज बोल लो, क्या होता है करंट को रोकने वाली चीज को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्लियर हो गया। जैसे बल्ब है तो क्या कर रहा है, करंट जा रहा था इस बल्ब में, क्या करते हैं उस करंट को रोक लिया, तो मैं क्या बोलूंगा रेजिस्टेंस इज द स्टॉपेज ऑफ करंट, समझ में आ गया क्या, क्या रेजिस्टेंस क्या है, या तो ऐसे बोले बैरियर भी बोल सकते हैं, बैरियर मतलब रोकने वाली चीज को बोलते हैं ना, रेजिस्टेंस इज द बैरियर ऑफ द करंट, सबसे पहले तो एक चीज याद रखना उसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। अच्छा इसके नेम एंड डिफाइन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है ओम, ओम ऐसे है ना, और सिंबल क्या होता है उनका ऐसा, ये मान ठीक है, ऐसा यूनिट ये होगी ओम। अच्छा इसमें लिखा डिफाइन इट्स एसआई यूनिट, मतलब इसके एसआई यूनिट यानी 1 ओम को डिफाइन करना है, इसको डिफाइन करना है 1 ओम को, तो 1 ओम को डिफाइन करना कोई बड़ी बात नहीं। देखो आई एक फॉर्मूला पढ़ा था अगर तुम लोगों को याद हो, हम लोगों ने I=V/R ओम्स लॉ पढ़ा था, इससे सॉल्व करके R का वैल्यू निकालूंगा तो V/I आएगा, ठीक है मेरे को रेजिस्टेंस 1 चाहिए तो इसको ही 1 होना पड़ेगा, तो वो ऐसे बोलेंगे when 1 volt of potential is flowing across the conductor and 1 ampere of current is flowing through, याद है मैंने बोला था कि voltage के लिए हमेशा across word आता है और जब current की बात होती है तो कौन सा word आता है flowing through,
सही बात है, तो इस चीज का ध्यान रखना ठीक है। ऐसे लिखेंगे वन ओम की डेफिनेशन, व्हेन वन वोल्ट ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर, अक्रॉस द कंडक्टर या अक्रॉस द वायर भी हो सकते हैं, एंड वन एम्पेयर ऑफ करेंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, समझ आ गया, फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, देन इट इज नोन एज जूल, ठीक है, फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, देन द रेजिस्टेंस इज ऑफ वन ओम, समझ आ गया, ऐसा ऐसी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी वालों को। अच्छा भैया इसका ऐसे बोलना है कि वन एम्पीयर ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन द वन पॉइंट और अदर का पोटेंशियल पर बोल। इसके बाद है फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस डिफाइन, देखो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, याद करो रेजिस्टेंस का फार्मूला, रो अलग बने होता है, तो रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है याद कर, मैंने बताया था रेजिस्टेंस एक लेंथ पे डिपेंड करता है और एक एरिया पे और क्रॉस सेक्शन पे और एक मटेरियल पे, तीन चीजों पे तो पक्का डिपेंड करता है, किस किस पे, लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन और मटेरियल। उसने यही पूछा कि क्या क्या करता है, तो लिख देना आंसर, इसको लिखना होगा, लिख देना डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन करके लिखना, डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस, डिपेंड्स ऑन पूरा लिख देना, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फर्स्ट पार्ट लेंथ ऑफ द वायर या लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर वन एफ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर लिख सकते हो ठीक है। सेकंड पार्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फर्स्ट पार्ट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकंड पार्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और थर्ड पार्ट क्या होगा, नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है, क्लियर हो गई सारी चीजें, इन चीजों पे डिपेंड करता है, चलो इन सब चीजों पे क्या करता है, डिपेंड, ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा इसके बाद एक और पार्ट है इसमें कि अगर लेंथ को डबल कर देंगे तब क्या होगा, लेंथ को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो ध्यान से एक फॉर्मूला है, साफ सीधी चीज ऐसे समझना, रेजिस्टेंस डायरेक्टली होता है लेंथ के, रेजिस्टेंस इनवर्सली होता है एरिया के, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, बाकी काम खुद का खुद जाता है। क्या क्या बोला, रेजिस्टेंस डायरेक्टली होता है लेंथ के और इनवर्सली होता है किसके, एरिया के, तो यार लेंथ के अगर डायरेक्टली होगा तो एक बार बताओ, लेंथ के अगर डायरेक्टली होगा तो लेंथ को अगर डबल कर दूंगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल, पहला पार्ट समझ में आ गया, तो रेजिस्टेंस इज डबल पहले पार्ट का आंसर। अगला है रेडियस को डबल करूंगा, रेडियस को डबल करने पे एरिया कितना गुना हो जाएगा, एरिया चार गुना हो जाएगा, सोचो क्योंकि एरिया एरिया बाहर क्रॉस सेक्शन मतलब ये होता है कि जब मैंने वायर को देखा तो कैसी शेप, ऐसे दिखेगा आगे से सर्कल दिखेगा, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसने बोला रेडियस को डबल कर दिया, खुद ही सोचो अगर पहले रेडियस 1 थी तो डबल कर दो कितनी हो जाएगी रेडियस 2, जब रेडियस 1 थी तो एरिया मान लो पाई आ रहा था एग्जांपल, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी 4 पाई, समझ में आ गया, यानी स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाता है स्क्वायर, तो बात ऐसी है तो जैसे दो गुना कर दिया तो जो रेजिस्टेंस होगा वो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4, ये लिख देना 1/4, रेडियस के आगे रेडियस इज डबल के आगे लिख देना 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है, बस ये था इस क्वेश्चन में, ठीक है, जल्दी से कुछ सोचना है पूछना है पूछो। अच्छा देखो और करके एक और पार्ट है, और करके इसका क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करते हो, कैसे कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर को, पैरेलल में सीरीज में, वोल्ट मीटर को पैरेलल में, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और एमीमीटर को सीरीज में, तो लिख देना वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा है, इसमें सोचना था कुछ, हां इसलिए मजेदार है क्वेश्चन है कि 6 ओम के तीन रेजिस्टेंस दे दिए तुम्हें, तीन दे दिए ठीक है, 6 ओम के 6 ओम के तीन दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने बोला तो मैंने क्या करा, तुम्हें इनको कनेक्ट करना है ताकि तुम्हें जो रेजिस्टेंस मिले टोटल, पहले केस में हमें चाहिए 9 ओम का और सेकंड केस में चाहिए 4 ओम का, समझ आ गया क्वेश्चन, 9 ओम का और 4 ओम का, ठीक है, कैसे मिलेगा इस बारे में सोचना है, 9 ओम का और 4 ओम का, पहला केस कैसे कर सकते, सोचो, मैंने कहा यार एग्जांपल लेके होगा मतलब अटेम्प्ट कर करके होगा, गलत तो होगा बीच में, ठीक है, चलो तुम्हारे अकॉर्डिंग सोचते हैं, ठीक है, मैंने कहा तुम्हारे पढ़ो ध्यान सुनना, तुम क्वेश्चन ने पढ़ा सुनने, तुमने कहा तीन रेशन है तीनों कनेक्ट करना, मुझे रेशन चाहिए 9, दिमाग में क्या बैठा हुआ 9, ठीक है, पहले मैंने कहा चलो तीनों को सीरीज में लगाते हैं, किस में लगाते हैं तीनों को सीरीज में, तो सीरीज में तो टोटल प्लस करके आता है तो कितना हो गया 6 6 6 18, कोई भी सकता, तो ये ऑप्शन तो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो सीरीज का ऑप्शन गया, मतलब सीरीज मतलब ऐसा वाला कनेक्शन, सही है, ऐसी वाला कनेक्शन होता है सीरीज में, इसके आगे लिख देंगे क्रॉस, समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो गया। अगला कनेक्शन क्या कर सकता हूं, मैंने कहा यार तीनों को पहले में लगा के देख लेता हूं, सबसे पहले तो यही दो केस आएंगे मेरे सामने, एक बार सीरीज और एक बार पैरेलल, 1/18 क्या होगा जरा देखो, वन इसका 6 6 6 यही होगा फार्मूला, तो 1/r टोटल जो होता है
वो बराबर होता है 1/r1 यानी 1/6 + 1/6 और + 1/6 यही होगा। ठीक है 1/r टोटल कितना आ गया 1/2 देखो 6 एलसीएम आया 1 + 1 + 1 कितने वाले हो गए 3 3 / 6 कटेगा 2 / r टोटल बराबर rt बराबर 1 / 2 आएगा सही है क्रॉस करा rt बराबर 2 तो बताओ 2 ओम चाहिए नहीं चाहिए और ये ऑप्शन भी गायब काट दो इसको हटा दो ये समझ आया कैसे कर देता हूं समझ आ गया अच्छा अब ये ऑप्शन भी गया तो अब क्या ऑप्शन बचता है अब ऑप्शन ऐसा है एक काम कर सकते हैं एक को ऐसे लगाया सीरीज में पहले और फिर तो पहले में कनेक्ट कर देते हैं कर सकते हैं सर समझ में आया नहीं तो इसका 6 इसका 6 इसका 6 सही है तो एक काम करूंगा पहले इन दोनों का क्या निकालूंगा इन दोनों से पहले इन दोनों का पहले किसमें निकालूंगा इन दोनों का पहले फिर जो आंसर आएगा उसके इसके साथ सीरीज में क्वेश्चन समझ में आ गया ठीक है मैंने ये कनेक्शन भी अप्लाई करी ये भी नहीं हुआ आंसर अब ये वाला कनेक्शन दिख रहा क्लियर तो मैंने कहा एक काम करता हूं तो यहां पे 1/ पहले निकालूंगा मैं इन दोनों का मिला के मान लो मैं निकाल रहा हूं इन दोनों का मिला के वो निकाला मैंने r कोई दिक्कत तो नहीं है इन दोनों का मिला के निकाल दो इन दोनों का पहले लगेगा 1/r बराबर 1/6 + 1/6 यही होगा 6 एलसीएम आ जाएगा कितना आएगा 1/r 6 एलसीएम आया 1 + 1 2 हो गया कैंसिल करके r कितना आएगा 3 ओम सही है r 3 ओम आया अब जो 3 ओम आया इसका r की वैल्यू आई ये और ये किसमें पैरेलल में या सीरीज में सीरीज में दोनों के दोनों सीधे लगे बिल्कुल तो बोलूंगा ऐसा कि टोटल रेजिस्टेंस r टोटल बराबर 6 ये वाला प्लस 3 6 + 3 कितना होता है 9 तो हो गया समझ आ गया कनेक्शन कैसे करना है तो क्वेश्चन ये होगा कनेक्शन करने का हमने तरीका अपनाया उसमें एक को रखा सीरीज में और दो को रखा पैरेलल में केस 1 का जो आंसर होगा 9 ओम का इसका लिखिए 1 इज सीरीज 1 इज इन नहीं 1 2 आर इन पैरेलल 2 आर इन पैरेलल दो किस में पैरेलल में एंड 1 इन सीरीज समझ में आ गया एक किस में सीरीज में ये समझ में आ गया केस नोट करो इसको एज इट इज चाहिए मेरे को एज इट इज नोट करना ताकि तुम्हारे ये रफ में हो जाए ठीक है ये वाला ताकि गलत भी तो पता होगा ना गलत क्यों आ रहे हैं तो ये सही वाला तो है हमारे पास तो मैं इसका सेकंड पार्ट बताऊंगा जल्दी नोट करो हां भाई क्वेश्चन है अगला 4 ओम का भी चाहिए अब 4 ओम वाले में कैसे कनेक्ट करेंगे दूसरी से करो ऐसा कि कैसे कनेक्ट करते हो ऊपर ठीक है और ये कनेक्शन नहीं हो बाकी सारे कनेक्शन हो ही गए जितने पॉसिबल बन सकते सारे बना दिए समझ में आ गया ये 6 का ये भी 6 का और ये 6 का समझ में आ गया तो पहले इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करूंगा कितना आएगा दोनों को सीरीज में सॉल्व करके देखो लिख देते इन दोनों को सॉल्व करके मान लो आया r क्या आया r तो r आ गया 6 + 6 कितना होता है 12 12 ओम आ गया ठीक अब जो आंसर आया उसको और इसको किस में करना है पैरेलल में जैसे बोलूंगा r टोटल 1 / r टोटल क्योंकि ये दोनों सीरीज उसमें पैरेलल में 1 / r टोटल बराबर 1 / 6 + 1 / कितना होगा 12 अब बस सबसे आसान rt बराबर lcm लेंगे कितना आएगा 12 6 2 2 और ऊपर 1 है ना वन अपॉन आरटी बराबर 3 अपॉन तो 3 अपॉन में आया आर आ गया आरटी कितना आ गया 4 जाए तो 4 आ गया समझ आ गया क्लियर हो गया तो ऐसे 4 ओम आ गया समझ आ गया सारे क्वेश्चन तो इसी के साथ हमारा फिजिक्स का पेपर समाप्त ठीक है बाकी केमिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ने के लिए ठीक है अगर केमिस्ट्री अच्छे से करना है तो पेपर सब तो एक काम करना रिएक्शंस वगैरह याद रखना ठीक है मैं सारी चीजें एक साथ कराता रहूंगा ठीक मजा आएगा बहुत इजी पेपर है केमिस्ट्री का ठीक है तो ये समझ में आ गई अगला क्वेश्चन देखो एक स्टार्ट करेंगे हैंडल केमिस्ट्री दो तीन क्वेश्चन केमिस्ट्री हैंडल केमिस्ट्री पहला क्वेश्चन था केमिस्ट्री का तो पहला क्वेश्चन है ध्यान सुनना What will happen when quicklime is added to water? पानी में जब quicklime add करते हैं, quicklime मतलब क्या होता है? CO is called by सही है? इसको किसमें add करा? पानी में H2O में क्या बनता है? Slake type form में क्या होता है? CA गलत ये CaO होता है पहले ये बनता है CO एक बनता कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोजन समझ में आ गया ये होता है quicklime हीट तो रिलीज होती है निकलती है बिल्कुल quicklime होता है ये बन जाता है slake line क्या बन जाता है slake line समझ में आ गया तो वहां पे बस ऐसा लिखना था व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर इट बिकम्स स्लेग लाइन एंड हीट इज जनरेटेड क्या जनरेट होती है हीट कोई दिक्कत तो नहीं है सिंपल सा क्वेश्चन आया पेपर में कि क्विक लाइम यानी कि CaO के साथ कनेक्ट करता है पानी तो क्या बनता है स्लेग लाइन ठीक है रिएक्शन बता दीजिए अगर रिएक्शन बता दो नंबर मिल जाता ठीक है एक क्वेश्चन है इसी का और करके पार्ट है
why does the color of copper solution change when an iron nail is dipped into it? मतलब देखो copper sulfate serious हो गया कौन से कलर का होगा blue. जब हम लोग इसमें Fe डालेंगे क्या डालेंगे आयरन नेल मतलब लोहे की कील डाली आयरन यहाँ पे अच्छा याद करो FeSO4 वो रिएक्टिविटी सीरीज याद है केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है और नीचे कॉपर तो बहुत नीचे आता है तो Fe कॉपर को क्या करेगा हटा देगा इसी गर्लफ्रेंड लेके चले गया क्या बचा FeSO4 और सिंगल बॉन्ड रह गया Cu. तो ये ब्लू कलर का था अब जो ये बनता है वो ग्रीन कलर का कौन सा कलर बन जाता है ग्रीन. तो इसका आंसर ऐसा था इट बिकम्स कलर कौन सा कलर ग्रीन. इट बिकम्स ग्रीन इन कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 क्योंकि क्या बन जाता है वहां पे FeSO4. तो आंसर लिख लेना वहां पे लिखना चाहो तो इट बिकम्स ग्रीन इन कलर इट बिकम्स ग्रीन इन कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4. समझ में आ गया किसी को दिक्कत तो नहीं है. अगला ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थे दोनों पार्ट ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है सेकंड है व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों करता है एसिड और एसिड का एस प्लस क्योंकि एस प्लस आयन रिलीज कर रहा है. क्वेश्चन ऐसा है कि जब मैं एसिड होता है ना एसिड उसको मैं पानी में डालता हूं किसमें डालता हूं पानी में तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करने लग जाता है क्यों इससे बिजली निकलने लग जाती है मतलब करेक्ट करने लग जाता है कारण ड्यू टू लिबरेशन या ड्यू टू क्या बोलते हैं उसको इवोल्यूशन इवॉल्व करना क्या H+ आयन रिलीज बोल सकते हो टू रिलीज ऑफ H+ आयन ठीक है या इट गिव H+ आयन क्लियर एसिड में समझ में आ गया. तो आंसर ऐसा होगा ड्यू टू H+ आयन H+ आयन रिलीज H+ आयन ठीक है. नेक्स्ट है कार्बन की दो प्रॉपर्टी बतानी जिसकी वजह से लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं तो कौन सी दो प्रॉपर्टी है और दूसरा सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है. ये क्वेश्चन अरियन के सैंपल पेपर में बिल्कुल एग्जैक्टली यही छपा हुआ है क्वेश्चन सेम चीज. तो इसका आंसर होगा कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकिंग क्या होती है सेल्फ लिंकिंग ठीक है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी लिख लो समझ में आ गई ये हो गया इसका ठीक है कैटिनेशन है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ये हो गए इसके आंसर. क्लियर हो गए बाकी इसकी केस स्टडी कल करेंगे. केस स्टडी में क्या है एसेंशियल रीजन एआर करेंगे कल ठीक है और केस स्टडी लगेगी दो तीन बस ठीक है. केमिस्ट्री का साल है ठीक है कल तक केमिस्ट्री पढ़ाई भी ज्यादा क्वेश्चन भी ठीक है चलो बाय बाय.